Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share with you guys full face of Rambel Cosmetics. So without any further ado, let's get into the video. So Rambel Cosmetics बहुत ही अच्छा makeup brand है जो बहुत ही inexpensive price में आपको अच्छे-अच्छे products जो है देते हैं. तो दे सेंड देयर फ्यू प्रोडक्ट्स, इस बॉक्स में आप देख सकते हो उनका फ्यू प्रोडक्ट्स जो उन्होंने सेंड किया है. तो इन सारे को यूज़ करके जो है मैं अपना जो लुक है आज क्रिएट करूँगी. ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट लिंक होगा कुछ भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. तो डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. ओके सो तो स्टार्ट करते हैं प्राइमर से. तो फर्स्टली दे सेंड देयर रैम्बल 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर फेस प्राइमर. दिस इज ऑयल फ्री प्राइमर. इसमें 30 ml एल प्रोडक्ट आता है एंड इसका जो प्राइस है उसका प्राइस है 225 rupees. तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है क्वांटिटी वाइज आपको जो दिख रहा है. एंड पैकेजिंग बहुत ही मिनिमल पैकेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आता है. एंड दिस इज अ सिलिकॉन फ्री प्राइमर. तो मैं इतना सा लेके जो है मुझे जहाँ जहाँ जरूरत है मैं उसको अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. ओके तो जिस जिस जगह पे मेरे पोर्स है मैं इसको अच्छे से जो है अप्लाई कर लूँगी. एंड जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड दिस इज मैटिफाइंग. आप देख सकते हो मेरे इस साइड जो है पूरा मैटिफाई हो चुका है. सो इफ यू आर फ्रॉम ऑयली स्किन टाइप आपको ये प्राइमर जो है बहुत पसंद आएगा. एंड समर टाइप पे हर स्किन टाइप पे जो है बहुत अच्छे से जो है काम करेगा. नाउ मूविंग ऑन टू फाउंडेशन. तो फॉर फाउंडेशन द सेम देयर रैम्बल फुल कवरेज फाउंडेशन ऑयल फ्री. इसमें SPF 20 भी है. इसमें 35 ग्राम का प्रोडक्ट होता है. इसका प्राइस है गेस व्हाट, इसका प्राइस है 135 rupees. तो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव जो है फाउंडेशन है. दिस इज द इनर पैकेजिंग. पंप पैकेजिंग के साथ आता है, इसे ग्लास बॉटल में है. एंड आई एम इन द शेड 01 नेचुरल बेज. में बेज जो है मेरे स्किन पे अच्छा सूट करता है तो मैं इसको जो है ब्लेंडर के हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूँगी. तो मैं ब्लेंडर में जो है एक पंप ले लूँगी इसका. लेट्स सी फुल कवरेज है कि नहीं. तो आई थिंक ये जो शेड है मेरे स्किन पे अच्छे से जो है मैच करेगा. ओके सो दिस इज नॉट अ फुल कवरेज, दिस इज मीडियम कवरेज. तो आप इसको बिल्ड करके जो है फुल कवरेज बना सकते हो. एंड बहुत अच्छे से जो है आप देख सकते हो ब्लेंड हो रहा है. बिल्कुल प्लैची ब्लॉची इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे से एकदम सीमलेसली जो है ब्लेंड हो रहा है. वी डोंट हैव एनी कंसीलर. तो मैं इस फाउंडेशन को जो है थोड़ा और लेके जो है एज अ कंसीलर मैं इसको यूज कर लूंगी. एंड आप दोनों साइड में जो है डिफरेंस देख सकते हो. बहुत अच्छे से जो है मेरे डार्क सर्कल्स को जो है इसने कवर कर दिया. मैं फटाफट से जो है अपना बेस सेट कर ली थी. तो द फॉर सेटिंग स्प्रे एंड पाउडर कॉम्पैक्ट बेसिकली उन्होंने सेंड किया है. तो उन्होंने सेंड किया है रैम्बल कॉस्मेटिक्स पाउडर फाउंडेशन. तो लाइट फील नेचुरल मैट फिनिश में SPF 15 भी आता है एंड 12 आवर लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है. इसका प्राइस है 100 rupees. बहुत ही इनएक्सपेंसिव है. इसमें 18 ग्राम का प्रोडक्ट होता है. तो दिस इज द इनर पैकेजिंग. इसमें भी मेरा जो शेड है बेज है आप देख सकते हो. तो इसके हेल्प से जो है मैं अच्छे से जो है अपने फाउंडेशन को जो है सेट कर लूँगी. एंड इससे थोड़ा सा आपको कम्पैक्ट से क्या होता है थोड़ा सा आपको कवरेज भी मिल जाता है स्किन से. ओके सो तो मैं अपने ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर लूँगी. हाँ इसमें थोड़ा सा जो है कवरेज है. तो फॉर एवरीडे यूज अगर आपको फाउंडेशन वगैरह बीबी क्रीम नहीं लगाना है तो आप इसको डेफिनेटली जो है ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इनएक्सपेंसिव है. सो नाउ मूविंग ऑन टू ब्लश. तो दे डिडंट से एनी ब्लश. तो मैं जो है लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज करूंगी. दिस इज रमूज बाय रैम्बल बोल्ड मैट लिपस्टिक एंड आई एम इन द शेड 223. तो आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी पिंक शेड है. तो इसको मैं क्या करती हूँ मैं डायरेक्ट फेस में जो है अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि समटाइम्स क्या होता है फाउंडेशन वगैरह जो है मूव हो जाता है. तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ लिपस्टिक को अपने बैक ऑफ द हैंड में जो है अच्छे से मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ. एंड इस पर जो मैं है अपने ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से जो है पिकअप कर लूँगी. एंड आप देख सकते हो ब्रश में जो है बहुत अच्छा अमाउंट आ गया है एंड मैं इसको डायरेक्ट जो है अप्लाई कर लूँगी. एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से जो है अप्लाई हो रहा है एंड कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ड्रैग नहीं हो रहा है. अच्छे से जो है ब्लेंड भी होता है. मुझे डायरेक्टली अप्लाई करना बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड ये कलर जो है एज अ ब्लश भी बहुत प्रिटी लग रहा है. ऑल्सो दिस लिपस्टिक इज वेरी इनएक्सपेंसिव. इसका प्राइस है 150 rupees. एंड इसका पैकेजिंग जो है बहुत ही प्रिटी है. आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी कलर है. इसमें और भी शेड्स है तो आप जो है अपने हिसाब से जो है ट्राई कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू हाइलाइटर. तो फॉर हाइलाइटर दिस सेंड देयर लिक्विड हाइलाइटर ड्रॉप एंड ग्लो रैम्बल कॉस्मेटिक्स. आई एम इन द शेड रोज गोल्ड एंड इसका प्राइस है 305 rupees. आपको जो है 18 ml प्रोडक्ट मिलता है. आपसे ड्रॉपर फॉर्म में आता है आप देख सकते हो. एंड इस टाइप का पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है. एंड लिक्विड हाइलाइटर जो है मुझे बहुत पसंद है. एंड इसको भी मैं जो है अपने थोड़ा हाथ में ले लूँगी बैक ऑफ द हैंड में. इसको थोड़ा अमाउंट में ले लूँगी एंड इसको जो है फिंगर्स के हेल्प से मैं इसको अच्छे से जो है अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी.
इससे क्या होता है ब्लेंड भी अच्छे से होगा एंड ये बहुत ही प्रिटी कलर है, आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी शेड है, बहुत ही सटल एंड प्रिटी ग्लो है इसमें, आप देख सकते हो बिल्कुल चंकी नहीं है, चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स इसमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप मेरे जैसे सटल हाइलाइटर पसंद करते हो तो आपको डेफिनेटली जो है पसंद आएगा। ऑल्सो आप इसको बिल्ड करके जो है इसका जो हाइलाइटर है थोड़ा इसको बढ़ा सकते हो। ओके सो तो फॉर आई शेडो मैं जो है अपने लिपस्टिक को ही यूज़ करूँगी एज अ आई शेडो। मुझे अपने ब्रॉन्जर एंड लिपस्टिक्स को जो है आई शेडो यूज़ करना बहुत पसंद है, तो अपने बैक ऑफ हैंड में जो है मैंने ले लिया है, इसको मैं ब्रश में से पिकअप कर लूँगी एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छा अमाउंट जो मैंने पिकअप कर लिया एंड इसको जो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर लूँगी एंड मैं बहुत ही सटल एक लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो एवरीडे भी आप इसको जो है क्रिएट कर सकते हो, ऑल्सो ये लुक बहुत ही ईजिली सबको जो है अचीव कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक फ्लश ऑफ पिंक कलर जो है मेरे लिड्स में है। ऑल्सो ब्लश एंड आई शेडो अगर सेम कलर का हो तो पूरे फेस का जो कलर होता है सेम होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू काजल। फॉर काजल दे सेम देयर रैम्बल 12 आवर वेयर लॉन्ग लास्टिंग एक्स्ट्रा ब्लैक स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ डीप ब्लैक काजल। ये ब्लैक काजल है एंड इसका जो प्राइस है 175 रुपीज एंड दिस इज द पैकेजिंग, आप देख सकते हो जैसे काजल का पैकेजिंग आता है। तो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ काजल एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव, तो इसको मैं जो है अपने वाटर लाइट पे जो है अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही जेट ब्लैक है, मैं इसको आपको सोच दिखा देती हूँ, बहुत ही जेट ब्लैक है। ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू मस्कारा, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 149 रुपीज़ एंड 149 रुपीज़ में आपको जो है इतना प्रीटी पैकेजिंग मस्कारा मिल रहा है। इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर इसका बहुत ही प्रीटी एंड दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ। 149 में आपको वाटर प्रूफ मस्कारा मिल रहा है एंड इस पर लिखा हुआ है कि आप टू 22 आवर्स तक स्टे करेगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो स्टेइंग पावर तो अच्छा होगा ही। नाउ लेट्स सी इसको ट्राई करके देखते हैं इसका वॉल्यूम कैसा है। एंड दिस इज जस्ट वन कोट मस्कारा, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसने वॉल्यूम प्रोवाइड किया है। ऑल्सो हर एक लैश को अलग अलग जो है इसको सेपरेट करके लेंथ एंड वॉल्यूम दोनों जो है अच्छे से प्रोवाइड किया है, तो मैं इस मस्कारा को आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। फॉर सेटिंग स्प्रे दिस एंडर रैम्बल मेकअप फिक्सर नेचुरल, इसमें जो है एलोवेरा एंड विटामिन ई के साथ ही आता है। इसका प्राइस है 260 रुपीज़ एंड इसमें आपको 100 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, विच इज़ अ क्वाइट अ गुड क्वान्टिटी। तो मैं फटाफट से जो है अपने मेकअप को जो है सेट कर लेती हूँ उसके हेल्प से। तो इसमें जो है हल्का सा एक फ्रेग्रेंस है, लेट्स सी आफ्टर ड्राई नहीं इसमें स्मेल रहता है कि नहीं। सो आफ्टर ड्राई जो है इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, थोड़ा फ्यू सेकंड्स के लिए इसमें स्मेल था। नाउ मूविंग ऑन टू लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के लिए हमारे पास आज टू ऑप्शन है आज। एक है रैम्बल का लिपी लिक्विड लिपस्टिक, ये प्रिटी रेड शेड है आप देख सकते हो एंड दिस इज द लिपस्टिक जो मैंने ब्लश एंड आई शेडो जो है यूज़ किया है। तो इस रेड शेड को जो है मैं आपको स्वच करके दिखाती हूँ, दिस इज 204। ये बहुत ही प्रिटी चेरी रेड एक शेड है, आप देख सकते हो फेयर स्किन टोन पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैंने पिंक लुक किया है पूरा एंड इसको यूज़ किया है, तो मैं इसको ही अप्लाई करूँगी तो पूरा फेस जो है ऑल टुगेदर लगेगा। ओके सो दिस इज माई फाइनल लुक, आप देख सकते हो बहुत ही सटल मैंने लुक जो है क्रिएट किया है एंड इस प्रोडक्ट के साथ जो है इन सारे प्रोडक्ट्स को जो हमने यूज़ करके इस लुक को जो है क्रिएट किया है। इफ़ यू आस्क मी मुझे सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट जो है पसंद आया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस दिस मस्कारा, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, दिस इज रैम्बल पाउडर फाउंडेशन, बेसिकली दिस इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर, इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये भी बहुत इनएक्सपेंसिव है, 100 रुपीज़ में कॉम्पैक्ट मिल रहा है एंड इसका कवरेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ फाउंडेशन एंड जो है इस कॉम्पैक्ट को यूज़ किया है अपने बेस में, तो आप देख सकते हो मेरे बेस स्टिल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड लास्टली अगर आप एक एवरीडे फाउंडेशन ढूंढ रहे हो बजट में, तो आप डेफिनेटली जो है इसको ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वन, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो टिल देन बाय।